दलित राजनीति में कुल मिलाकर 3-4 ही चेहरे हैं जिनका नाम लिया जा सकता है, जैसे मायावती, उमा भारती और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। दलित महिलाओं की जो स्थिति है उससे लगता है कि इन दलित महिला नेताओं का कोई सरोकार नहीं है, जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित महिला आंदोलन की शुरुआत कर दलित महिलाओं को विभिन्न आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया। उनका मानना था कि महिलाओं की प्रगति से ही किसी भी समाज की प्रगति तय है। दलित बहुजन नेता के रूप में अपनी छवि बनाने वाले माननीय कांशीराम जी अपने शासनकाल में एक दलित महिला को नेतृत्व देकर दलित राजनीति में सराहनीय काम किया, जिसका नाम था बहन जी श्री मायावती। बता दें, साल 1984 तक मायावती ने बतौर शिक्षक काम किया। वे कांशीराम के काम और साहस से काफी प्रभावित थी और साल 1984 में जब कांशीराम ने एक नए राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की तो मायावती ने टीचर की नौकरी छोड़कर पार्टी के लिए इतना बेहतरीन काम किया, जिसके बाद उनके ओहदे में लगातार बढ़ोतरी होती रही और फिर कांशीराम के मार्गदर्शन से वो पार्टी में अपनी जबरदस्त पैठ बनाती रही। कांशीराम से सियासी कार्यशैली सीख कर उन्होंने मुजफ्फरनगर जिले की कैराना लोकसभा सीट से अपना पहला चुनाव अभियान की शुरुआत की और मायावती के सियासत में दस्तक देते ही साल 1989 में बसपा ने 13 सीटों पर सफलता का परचम लहराया और इस जीत के साथ मायावती ने साबित कर दिया कि वो पार्टी के लिए एक मजबूत भविष्य बन सकती हैं और शायद इस बात को कांशीराम पूरी तरह समझ गए, इसलिए साल 1995 में उत्तर प्रदेश की गठबंधन सरकार में मायावती को सीएम बनाया गया। इसके बाद मानो मायावती का सियासी रुतबा बढ़ता ही गया और फिर उनका वर्चस्व बदस्तूर जारी रहा और 2001 में पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने मायावती को दल के अध्यक्ष के रूप में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 2002 से 3 के दौरान भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में मायावती फिर से मुख्यमंत्री चुनी गई और साल 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद मायावती फिर से सत्ता में लौट आईं और भारत की सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। वैसे कहा जाता है कि मायावती का जो भी सियासी अस्तित्व है वो कांशीराम की बदौलत है। हालांकि उन्होंने मेहनत बहुत की है, लेकिन हाँ, बिना कांशीराम के विश्वास के आधार पर ही वो आगे बढ़ पाई है, ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। कांशीराम के सहारे मायावती ने एक महिला राजनेता के तौर पर जिस तरह सियासत में अपनी धाक बनाई, उसने कई सियासी मंजर राजनेताओं के पसीने छुड़ा दिए और यही वजह रही कि कई लोगों ने कांशीराम और उनके रिश्तों पर गलत इल्जाम लगाए, मगर मायावती को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और आज भी उनका दलितों के राजनेताओं में नाम अब भी बरकरार है। SPN9 न्यूज रूम की ये रिपोर्ट।